10,000 रुपए की तनख्वाह में कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आप शुरू करेंगे? चार ऑप्शन बताऊंगा। नंबर एक, सेफ ऑप्शन। नंबर दो, मीडियम रिस्क ऑप्शन। नंबर तीन, हाई रिस्क ऑप्शन। एंड नंबर चार, मेरे हिसाब से द बेस्ट ऑप्शन। शुरू करते हैं। नंबर एक, मम्मी पापा का प्यार, सबका अरमान, फिक्स डिपॉजिट, सेफ ऑप्शन है। 10,000 रुपए तनख्वाह है, ज्यादा लोड नहीं लेंगे, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह, जितनी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एफडी में डालेंगे। एंड अगर आप एफडी में डालेंगे तो आप ऑन एन एवरेज 6-6.5-7% भी कमा सकते हैं। एंड आपको लगेगा कि ये बहुत बढ़िया है, लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। तो आपकी जो 10,000 रुपए की तनख्वाह है, उसमें से हम 30% ऑन एन एवरेज इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब हर महीने 3,000 रुपए इन्वेस्ट। बाकी 7,000 रुपए में आपको अपना खर्चा चलाना है, जो भी आपका रेंट हो गया, खाने का, ट्रांसपोर्टेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड आप, जैसे मैं बता रहा हूं, पूरे का पूरा पैसा एफडी में डालेंगे, विच ऑन एन एवरेज इन द लास्ट 10 years हैज गिवन यू अ रिटर्न ऑफ 6.05%। अब देखते हैं कि ये 6% अगर आप हर महीने, हर साल ऑन एन एवरेज कमाएंगे तो उससे क्या बदलेगा। हम दो चीजें अज्यूम करेंगे। एक, कि हर साल आप अपनी इस सेविंग को, जो कि 3,000 रुपए महीना है, 10% से बढ़ा पाएंगे, तो अगले साल 3,300 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, उसके अगले साल 3,630 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखते हैं कि सालों में ये पैसा कैसे बढ़ेगा। 10 साल बाद आपकी तनख्वाह मोटा मोटा 23,000 रुपए होगी। दिस इज बेस्ड ऑन द नॉर्मल इंक्रीमेंट दैट पीपल गेट। इस 23,000 रुपए में से आप ऑन एन एवरेज 7,000 रुपए महीने के इन्वेस्ट कर रहे होंगे, ये 10 साल के बाद है। एंड 10 साल में आपके पास 0.07 करोड़, मतलब 7,00,000 रुपए का कॉर्पस बन चुका होगा, जिसकी औकात या हैसियत आज के पैसे के हिसाब से 0.05 करोड़, मतलब 5,00,000 रुपए होगी। यही चीज 20 साल बाद आपकी तनख्वाह करीब 60,000 होगी, जिसमें से आप करीब 18,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे होंगे। एंड यही कॉर्पस बढ़कर आप 33,00,000 रुपए हो चुका होगा, जिसकी हैसियत 12,00,000 आज के पैसे के हिसाब से होगी। 30 साल बाद आप कुछ कमा रहे होंगे, कुछ इन्वेस्ट कर रहे होंगे, आप 1,11,00,000 के कॉर्पस पे बैठे होंगे, लेकिन इसकी हैसियत सिर्फ 26,00,000 रुपए होगी। एंड 40 साल बाद अगर आप तब तक इन्वेस्ट करते रहे और ऐसे ही इन्वेस्ट करेंगे, तो आप 3,34,00,000 रुपए पे बैठे होंगे, एंड उसकी औकात मोटा मोटा 50,00,000 रुपए आज के पैसे के हिसाब से होगी। डजंट लुक ऑल दैट अट्रैक्टिव, राइट? लेकिन स्टेबल है, रिस्क फ्री है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल मे गो फॉर दैट। मेरी राय, 20s रिस्क लेने वाला डेकेड है। आप 10,000 रुपए की तनख्वाह के साथ भी बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, विच ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड ऑप्शन, एंड दैट इज यू मूव फ्रॉम एफडी टू द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में भी हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम इन्वेस्टिंग करेंगे, डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इसमें भी हम दिमाग नहीं लगाएंगे कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी नहीं है, क्योंकि कम से कम मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, एंड मैं सजेस्ट भी नहीं करता कि आप बनने की कोशिश करें, अनलेस ऑफ कोर्स यू वांट टू मेक इट इनटू अ करियर। बहुत सारे लोग हैं जिनका 2400 घंटे यही काम है, एंड यू शुड राइड ऑन देयर एक्सपर्टीज। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट, म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर आपके लिए पूरी मेहनत करके ये डिसाइड करता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना, कितना खरीदना, कौन सा बेचना है, कितना बेचना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, एंड आपको बेच जाना बैठ के सिर्फ पैसिवली उसमें हर महीने पूरी शिद्दत के साथ इन्वेस्ट करना। इफ यू बाय समथिंग कॉल्ड इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स, जो कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते हैं, देन उनका कॉस्ट भी बहुत कम होता है। दैट मींस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू वुड हैव नॉट पेड अ लॉट ऑफ मनी टू द फंड एंड अक्रूड अ लॉट टू योरसेल्फ। तीन इंडेक्स फंड्स की बात करेंगे। एक, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि भारत की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, विच आर लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप निफ्टी 50 का कोई भी इंडेक्स फंड ढूंढ सकते हैं एंड उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा इंडेक्स फंड इज कॉल्ड द मिड कैप इंडेक्स फंड। मिड कैप इंडेक्स फंड भारत की मिड साइज्ड कंपनीज के एक इंडेक्स, जो यूजुअली 100 कंपनियों का इंडेक्स होता है, उसमें इन्वेस्ट करती है। अगेन, अ ग्रेट वे टू इन्वेस्ट, एंड यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दैट एज वेल। एंड नंबर तीन, स्मॉल कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड भारत की स्मॉल साइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, एंड इट इज अ बिगर इंडेक्स
अराउंड 250 कंपनीज। अभी तीनों इंडेक्स फंड्स में अंतर क्या है? बिगेस्ट इज रिस्क। निफ्टी 50 रिलेटिवली लेस रिस्की, क्यों? क्योंकि भारत की टॉप कंपनीज है, तो वही रिलायंस, वही TCS, वही इंफोसिस, वही HDFC, वही SBI, तो यू नो मोटा मोटा कि ये पागलों जैसे ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स देंगे एंड इनका रिस्क या वॉलेटिलिटी जो होगी, जो आए दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो भी कम रहेगी। मिड कैप में एज यू कैन एक्सपेक्ट रिस्क जो है वो ज्यादा है, क्योंकि ये मिड साइज कंपनीज हैं, तो कभी कोई इधर उधर हो गई, कई और इधर उधर हो गई, सो यू मे सी अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन देयर। लेकिन उस वॉलेटिलिटी के चलते ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको स्लाइटली बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। एंड देन स्मॉल कैप, मैक्सिमम रिस्क, बहुत छोटी कंपनीज हैं, कुछ भी हो सकता है, बंद भी हो सकती हैं, फंड मैनेजर वो सब संभाल लेगा, लेकिन संभालना भी तो है ना, तो उसमें रिस्क बिल्ड इन है, काफी रिस्क है, बहुत रिस्क है। ओवर ओनली अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे पाता है, लेकिन उस पीरियड में धक 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 होती रहती है, विच मे बी एट द सैलरी ऑफ 10,000 आप नहीं करना चाहते। बट इफ आई वर टू शो यू हाउ इट हैज बीन इन द लास्ट डेकेड, ऑन एन एवरेज निफ्टी 50 ने 10.57% का रिटर्न दिया है, ऑन एन एवरेज मिड कैप 100 ने 14.24% का, एंड ऑन एन एवरेज स्मॉल कैप 250 ने 18.10%। So you can see that it is progressively higher return, but with higher risk. So option number 2, आप FD से तो ऊपर उठेंगे, तो ये 6% से तो ऊपर उठेंगे, and इस range में खेलना शुरू करेंगे with a portfolio. And let's see how that works. So FD से पैसा हटा देंगे, and you will go to Nifty 50, जहां आप 70% of your investment, जो कि अभी 3,000 रुपए है, डालेंगे। देन मिड कैप में 20, स्मॉल कैप में 10, तो आपके जो 3,000 है वो ऐसे स्प्लिट होंगे, 2100 रुपए निफ्टी 50 में SIP जाएगी, 600 रुपए मिड कैप एंड 300 रुपए स्मॉल कैप। वही सेम चीज, 10% हम हर साल बढ़ाएंगे, 5% का इन्फ्लेशन अज्यूम करेंगे। नाउ लेट्स सी कि 10, 20, 30 और 40 साल में ये पैसा कैसे बढ़ेगा। 10 साल के बाद आपका कॉर्पस हो चुका होगा 10 लाख रुपए, एंड उसकी हैसियत आज के डेट में होगी 6 लाख रुपए। एफडी से कंपेयर करिए, एफडी में यही जो था 7 लाख रुपए था एंड 5 लाख रुपए था, तो ये लाइक यार ये तो ज्यादा फर्क है ही नहीं, बहुत बढ़िया है। द मेन डिफरेंस विल स्टार्ट कमिंग इन इयर्स। 20 साल में आप 63 लाख पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जिसकी हैसियत 24 लाख रुपए है। 30 साल में आप 3 करोड़ रुपए पे पहुंच चुके हैं। एफडी में यही नंबर 30 साल बाद 1 करोड़ रुपए था, एंड इस 30 करोड़ की अहमियत 70 लाख रुपए है, एंड 40 साल बाद अब 14 करोड़ रुपए पे होंगे, जिसकी औकात 2 करोड़ रुपए होगी। दिस इज द पावर ऑफ टेकिंग मोर रिस्क। लेकिन उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप वक्त को यूज करते हैं। जितना ज्यादा आप वक्त देंगे अपने इन्वेस्टमेंट को, उतना ही ये कंसिस्टेंट रिटर्न देगा विदाउट द रिस्क ऑफ अ नेगेटिव और अ लो रिटर्न। फिर आता है ऑप्शन 3, विच इज द रिस्कीएस्ट। इस केस में हमें पता है कि यार स्मॉल कैप तो सबसे बढ़िया रिटर्न दे रहा है, इनकंसिस्टेंटली देता आया है ओवर द लास्ट सेवरल डेकेड्स, सो लेट्स अज्यूम कि वही रिटर्न मोर और लेस रेप्लीकेट हो सकता है। एंड क्योंकि आप लंबी गेम खेल रहे हैं, आप डिसिप्लिन्ड गेम खेल रहे हैं, यू आर रेडी टू टेक दैट रिस्क। तो 10,000 रुपए की तनख्वाह के साथ भी आप अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी को शुरू करके एक पोर्टफोलियो बनाएंगे जो कि रिस्की हो, एंड वो रिस्की पोर्टफोलियो होगा कि आप 10% निफ्टी 50 में डालेंगे, 20% मिड कैप में रखेंगे, एंड 70% स्मॉल कैप में डालेंगे। नाउ दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड थ्रू आउट द पीरियड। तो अगर आप अपने 20s में हैं और 10,000 रुपए की सैलरी से शुरू कर रहे हैं, तो आप इससे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास रिस्क लेने की क्षमता है, एंड यू कैन इफ थिंग्स गो बैड रिकवर बिकॉज यू हैव टाइम। लेकिन जैसे ही आप अपने लेट 20s, अर्ली 30s, लेट 30s में आते हैं, दिस मिक्स शुड चेंज। लेकिन लेट्स अज्यूम कि ये मिक्स आप सेम ही रखते हैं, कि आप 300 रुपए हर महीना शुरुआत के निफ्टी 50 में डालते हैं, 600 रुपए मिड कैप में, 2100 रुपए आप स्मॉल कैप में डालते हैं। Let's see what happens. आप 10 साल बाद 13 लाख पे बैठे होंगे, जिसकी हैसियत 8 लाख होगी।
मोटा मोटा, ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ इलाकों का है, विच इज फाइन। लेकिन आप देखिए 20 साल में ही आप 1 करोड़ पहुंच जाएंगे, 20 साल में ही आप 1 करोड़ हिट कर लेंगे 10,000 रुपए की सैलरी के साथ, एंड उसकी औकात 40 लाख रुपए आज के पैसे के हिसाब से होगी। 30 साल में आप 6,70,00,000 पे बैठे होंगे, जिसकी औकात 1.5 करोड़ रुपए होगी, एंड 40 साल में आप 40 करोड़ रुपए पे बैठे होंगे, जिसकी औकात 6.25 करोड़ रुपए होगी। दिस इज वॉट हैपन्स वेन यू अलाउ कंपाउंडिंग टू टेक प्लेस। तो 10 साल के अंदर अगर आप कंपेयर करेंगे, FD सेम 10,000 रुपए की सैलरी पे आपको 7,00,000 रुपए देगा, एक स्टॉक मार्केट का स्लाइटली लेस रिस्की प्रोफाइल आपको 10,00,000 रुपए दे देगा, और एक बहुत रिस्की स्टॉक मार्केट का प्रोफाइल आपको 13,00,000 रुपए देगा। ज्यादा अंतर नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही आप एक और डेकेड इसमें डालते हैं, थिंग्स चेंज। FD आपको 30 साल के बाद 1 करोड़ देगी, जिसकी औकात आज की डेट पे बहुत कम होगी। स्टॉक मार्केट का अर्ली प्लान जो है वो आपको 20-25 साल में 1 करोड़ देगा, जिसकी औकात ऑफ कोर्स बेटर होगी, एंड ये अग्रेसिव प्लान आपको 20 साल के अंदर ही करोड़पति बना देगा, जिसकी औकात रिलेटिवली बेस्ट होगी, क्योंकि वो अर्ली फेज में ही 1 करोड़ बना चुका है। अपनी तनख्वाह कितनी है उससे ना डरते हुए आप कितने लंबे दर्जे तक कमिट करने के लिए तैयार हैं उससे मोटिवेट करिए अपने आप को। विच ब्रिंग्स मी टू द 4th एंड इन माई ओपिनियन द बेस्ट प्लान फॉर यू। मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था जहां मैंने पिछले 25 साल जैसे जैसे पैसे कमाए हैं, उस पैसे को कमाने के लिए कितने घंटे बिताए हैं, उसके हिसाब से अपने वक्त की कितनी वैल्यू है वो डिटरमिन करने की कोशिश करी थी। एंड इसमें सबसे बड़ा टेक अवे आया था कि मैंने 9 रुपए पर आवर के वैल्यू से अपनी जर्नी शुरू करी। मैं 17 साल का था, ट्यूशन लेके ये पैसे कमाता था, एंड वो हमेशा बढ़ती नहीं रही। 9 का हाँ 14 हुआ, 14 का 21 हुआ, 21 का 70 हो, 70 का 75 हो गया, फिर 125, 200, 200, लेकिन फिर उसके बाद गिरा 134, फिर उसके बाद सरप्राइजिंगली नेगेटिव हुआ। मतलब हर वक्त मैंने 333 रुपए किसी को दिए, कमाए नहीं, एंड ये था पढ़ना, माय एजुकेशन, माय एक्सपीरियंस, जो मेरे लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि इस 333 रुपए के घाटे के बाद मैं 370, फिर 590, फिर 800 रुपए तक चला गया। उसके बाद ऑफ कोर्स स्टार्टअप फाउंडर बना तो फिर से एक हिट लिया, एंड थिंग्स वेंट बैक अप टू द पॉइंट जहां आज मैं अपने 1 घंटे में करीब 2,00,000 रुपए कमाता हूं। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस रो राइट हियर। ये जो रो है, दिस इज द इन्वेस्टमेंट दैट आई मेड इन माई सेल्फ। हाँ, मेरी तनख्वाह उस समय पे 10,000 रुपए नहीं, 15,000 रुपए थी। मैं 15,000 रुपए साल के कमाता था, विच वॉज ये जो कंसल्टेंट की नौकरी है, एंड उस पॉइंट पे मैंने एक 15,00,000 रुपए का लोन लिया ISB जाने के लिए, और उस 1 साल ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस लोन को मैंने 11 साल तक चुकाया, तो ऐसा नहीं था कि वो लोन मैंने अरे हवा हवा में ले लिया कि आराम से चुक जाएगा, बहुत वक्त लगा उस लोन को चुकाने में, बट आई एम सो हैप्पी आई मेड दैट इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट वॉज एन इन्वेस्टमेंट ऑन मी। तो अगर आप 10,000 रुपए महीने के कमाते हैं और उसमें से आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो उसमें से कुछ पैसा खुद की लर्निंग, खुद के एक्सपीरियंसेस पे इन्वेस्ट करिए, ऑनलाइन कोर्सेज में इन्वेस्ट करिए, फ्रीलांसिंग में इन्वेस्ट करिए, टूल्स में इन्वेस्ट करिए। अगर आप कुछ खरीद कर अपने स्किल को और माहिर बना सकते हैं उसमें इन्वेस्ट करिए। अगर आप किसी से मिलकर, किसी इवेंट पर जाकर किसी से कुछ सीख सकते हैं तो उसमें इन्वेस्ट करिए। अगर आप किताबें पढ़कर उनसे कुछ इंस्पिरेशन पा सकते हैं, प्लीज उसमें इन्वेस्ट करिए। अगर आप अपना कोई साइड बिजनेस चलाकर उससे कुछ सीख सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट करिए। जब आपकी शुरुआत हो रही है तो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपके लिए आप खुद होंगे, क्योंकि अगर आप खुद की ग्रोथ में, खुद की समझ में, खुद की पढ़ाई में, खुद के एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट करेंगे, उसका रिटर्न कोई भी और मार्केट बीट नहीं कर सकता। एंड मैं आपके सामने एक लिविंग एग्जाम्पल हूं। मैं सबसे समझदार इंसान नहीं हूं, सबसे मेहनती इंसान नहीं हूं, मुझ में ऐसा कुछ भी खास या खूब नहीं है जिसमें आप
माहिर नहीं हो सकते या आप उस चीज को नहीं कर सकते। एंड इसके बावजूद मैंने खुद की इनकम को पिछले 25 साल में 49% एनुअली से ग्रो कराया है। एंड मैं यकीन से आपको बोल सकता हूं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट एसेट इस दुनिया में नहीं जो मुझे 25 साल तक 50% हर साल ग्रोथ दे सकता था। सिर्फ एक ही चीज ने दी है, खुद ने। एंड वही आपके लिए सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट। आई होप दिस हेल्प्ड। अंकुर वारिकु साइनिंग ऑफ। मैंने दो किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर्स जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूँ जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 400,000 कॉपीज बेच चुकी हैं। एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।